और सभी आवेग स्थिति में बैठ करके दादियों का बाबा से मिलन का सुंदर दृश्य देखेंगे। और इस सुंदर मिलन का आप अपने स्थान पर बैठे हुए भी अनुभव कर सकते हैं। कोई भी आवाज नहीं करी, बिल्कुल आवेग स्थिति में बैठ जाएं, कोई भी खड़े नहीं रहे। अच्छा, जो बाबा को अच्छा लगता है वही कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं, करते रहे। देखा गया है कि जो आपने मित है, जो आपने मित है सपने में थे, सपने में आता है। तो जो भी आपने में थे उन्हों को विशेष इस समय ये अटेंशन रख, तीनों भाई मंच पर आए। केवल तीन भाई आएंगे, निवे भाई, ब्रिजमन भाई और रमेश भाई, बाकी सब अपने स्थान पर बैठे रहे। जो भी निमित्त बने हुए हैं
संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं, क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं, को भी कुछ सिक्या, कुछ किमिया, कुछ रैम कुछ आत्मक सने उसकी आवश्यकता।
सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समय पा रहा। तो ऐसा कोई प्लान बनो, कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है। संदेशी दादी ने शरीर छोड़ा है, उनके लोग भी आए हुए हैं। अच्छा है, सभी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत कम तो नहीं होती। हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएगी। बाप दादा के बहुत रमणीक बच्चे गए या सखी गए, जो संदेशी इस शरीर को छोड़ करके एडवांस पार्टी में गई, अपने जीवन का बाप दादा से साकार में फायदा भी बहुत अच्छा उठाया। सखीपन का पाठ भी बजाया, खेलने वाली बनी। और अपने समृद्धि से अपना भविष्य बनाया। अभी जो आए हैं साथी बन के, वो उठो, जो भी आए हैं। भुवनेश्वर सेंटर के, भुवनेश्वर सेंटर के जो नहीं नहीं ऐसा बहुत है, इनका दिया हुआ है के जो आए हैं भुवनेश्वर सेंटर के जो आए खड़े हो। अच्छा है, प्यार का सबूत तो दिया ना। अभी आगे भी
संतुष्ट रह के संतुष्ट करना। हिम्मतहीन को हिम्मत देना नंबर वन तो होते ही है ना। तो हिम्मत देते रहना, ओमा खुलास पढ़ाते रहना। सिर्फ याद नहीं करना लेकिन उसके पालना का वार्तक्य सबूत देना। बाकी अच्छा पाठ बजाया, आप सभी भी अच्छी दे अच्छा पाठ बजाते रहना और बजाएंगे। ठीक है ना, सभी ठीक है? हाथ लाओ, हाथ लाओ। अच्छा अच्छा, अभी शुरू करो। अब इसके बाद हमारे तीनों ही वरिष्ठ भाई बाप दादा को बहुत सुंदर फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं और हम सभी करतल ध्वनि से बाप दादा को गुलदस्ता भेंट करते हुए अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। अब इसके बाद रमेश भाई भी बाप दादा को गुलदस्ता भेंट करने जा रहे हैं और आप सभी करतल ध्वनि से अपनी खुशी प्रकट कर सकते हैं।
अब इसके बाद मीठे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। सभी भाई बहनें अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और कोई भी उठेगा नहीं, अपने स्थान पर बैठ कर के बाप दादा के मिलन का सुंदर अनुभव करते रहेंगे। इसलिए अभी सब बैठ जाएं और प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। अभी प्यारे प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और आप सभी अपने ही स्थान पर बैठ करके बाबा से मिलन मनाने का और प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराने का दृश्य देखेंगे और आप अपने ही श्रेष्ठ संकल्पों से जोर से ताली बजाएंगे। देखो अच्छी दादियां मिली है ना, साथी भी है, दादियां भी है। तो सदा हर दादी के हर साथियों के विशेषता को देख, विशेषता को कार्य में लाना। बाप दादा ने हर एक बच्चे को कोई ना कोई विशेषता स्पेशल दी है, आप सबको भी है, ऐसे नहीं सिर्फ दादियों को है, आपको भी। लेकिन क्या है, कोई विशेषता को कार्य में ला रहा है इसीलिए वो प्रसिद्ध हो जाता, और कोई विशेषता को कार्य में नहीं लाता तो गुप्त रह जाता। बाकी विशेषता सब में छोटे जो प्यादे में प्यादा है ना, उसमें भी विशेषता है। वो भी स्मृति दिलाता है कि आप महारथी हो,
आप महान हो, हम प्यादे हैं। इसलिए संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है, चाहे चार है, चाहे बारह है, लेकिन दो का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों एक जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो, उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया है ना, ऐसे सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो। जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है, हमारी है। ऐसे सभी प्रमाण एक दो में अपनापन अनुभव कर, को याद करना, इसी को याद कहा जाता है समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना, हर एक यही सोचो सब अपने महसूस, ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है क्या है, एक परिवार है ना, दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया। तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपनापन दे सकते, ये दिल की स्थिति। अच्छा अभी क्या करना, थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू बाबा। रेणु को माता हॉस्पिटल में है। अच्छा, याद देना।
अभी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। दादी जी बाबा को भोग स्वीकार कराने आप सबकी तरफ से दादी जानकी जी बाबा को भोग स्वीकार करा रही हैं और करतल ध्वनि से अपनी खुशी प्रकट करेंगे और जोर से एक बार आज भी देते हो बाबा पालना। सब अपने ही स्थान पर बैठे रहेंगे, इस अव्यक्त मिलन का अनुभव करते रहेंगे और आप सबकी तरफ से बाबा घर की जाती सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। टोली बांटने वाले अपने अपने गेट पर के पास से टोली बांटना शुरू करें और आप सभी को अपने ही स्थान पर बैठे हुए टोली मिलेगी, कोई भी खड़ा नहीं होगा, बैठ करके ही आप टोली लेंगे। सब बैठ करके, कोई आगे नहीं बढ़े, टोली बांटने वाले ध्यान देंगे, खड़े होकर के किसको टोली नहीं देनी है, सब बैठ करके ही टोली लेंगे। सब बैठ जाएं, बैठ के ही टोली लेंगे और अभी तो बाप दादा हमारे साथ हैं और हम बाप दादा के साथ का मिलन भी मनाते रहेंगे। सब बैठ करके टोली लेंगे। सोमवार पेठ वाटर गेट की रेणुका बहन और अमित भाई मैं टेलीफोन एक्सचेंज में पहुंची। पूना वाटर गेट की रेणुका बहन और अमित भाई अभी तुरंत ही टेलीफोन एक्सचेंज में पहुंची। माताएं बैठ करके बाप दादा को देखेंगी और बाप दादा आप सबको देख रहे हैं, कोई भी खड़ा नहीं होगा, बैठ करके बाप दादा को देखेंगे। टोली बांटने वाले हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को टोली देंगे, लेकिन सब बैठ करके ही टोली लेंगे, कोई भी खड़े होकर के टोली नहीं लेंगे। बाबा को देख रही है, मैं बैठ करके ही बाबा को देखेंगे और भाइयों की तरफ भी सभी भाई बैठ जाएंगे। नहीं होंगे और भाई भी बैठ जाएंगे, बाप दादा
आप सबको देख रहे हैं। इस संगम युग के अंदर बाप दादा से मिलने का सु अवसर अभी ही प्राप्त होता है, इसलिए सब बैठ करके ही बाप दादा को देखेंगे। बाहर जाने वाले भी बैठ करके बाप दादा को देखेंगे और कोई भी खड़े नहीं होंगे। भोलेनाथ की भोली भोली प्यारी प्यारी माताएं, बाबा की रूहानी दृष्टि आप सभी के ऊपर पड़ रही है और इस रूहानी दृष्टि का आप पूरा पूरा लाभ लेंगे। लेकिन बैठ करके अगर आप खड़े हो जाएंगे तो पीछे वाले बाबा को नहीं देख सकेंगे, इसलिए माताएं बाप दादा को देखें लेकिन बैठ करके ही बाबा को देखेंगे। आप बहुत ही अविक स्थिति में बाप दादा से मिलन मनाएंगे, लेकिन सब बैठ जाएं। सतयुग में तेरा प्यार भले ही रों के महलों में होंगे, भले ही रों के महलों में होंगे, सुख के अति भर मार ओ कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ, सुनाएगा मुरली वहाँ बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन भाइयों की तरफ बाप दादा आपको देख रहे हैं, सभी भाई बैठ करके ही बाप दादा को देखेंगे, लेकिन चोली बांटने वाले खड़े होकर के चोली नहीं बांटेंगे, सबको बिठा करके ही टोली देंगे। गेट के पास कोई भी टोली नहीं बांटे, सब बैठ जाएं, गेट के पास कोई भी टोली नहीं बांटेंगे। टोली बांटने वाले हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को टोली देंगे। कभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार।
सारथी बने हो तो बने रहना। हॉल में जो भी माताएं खड़ी हैं सब बैठ जाएं, कोई भी आगे नहीं बढ़ेंगे। साथी बने हो तो बने रहना। सभी माताएं बैठ करके बाबा को देखेंगी। हॉल में बिठाने वाली बहनें भाई ध्यान देंगे, सभी को बिठा करके ही टोली देंगे। बाबा गाते रहेंगे हर पल बाबा तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले, तुम्हारे याद के बाबा की प्यारी प्यारी भोली भोली माताएं बाप दादा आपको देख रहे हैं। आप जब बैठ जाएंगे तो बाप दादा को भी आराम से देख सकेंगे। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है,
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। सभी माताएं बाबा आप सभी को देख रहे हैं, आप बैठ करके ही बाबा को देखेंगे। आप बाबा की स्नेह भरी दृष्टि आप सभी के ऊपर पड़ रही है और जब आप बैठ जाएंगे तो बाबा के प्यार की दृष्टि आप सभी को मिलती रहेगी, लेकिन खड़े होने से आप बाप दादा को नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप सभी बैठ करके ही बाबा को देखेंगे। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। टेलीफोन एक्सचेंज में संपर्क करें, पुणे की बेबी तई काले टेलीफोन एक्सचेंज में संपर्क करें।
अपने बाबा हमें इतनी हंसी तकदीर दी आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी जिंदगी जीने की हमको एक नई तकबीर दी आपने बाबा पावन एकता की आओ कर
जग की है तस्वीर दी, मरने को रूहानी रंग से जग की है तस्वीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा को दी खुशियां बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां जगमग करता निकला, जगमग जगमग करता निकला, ज्ञान सूर्य शिव प्यारा, धीरे धीरे मिटा रहा है, धीरे धीरे मिटा रहा है अज्ञान, राजयोग एक आनंद शक्ति वीसीडी डीवीडी दी गई है जो कि कल से कैसेट काउंटर पर उपलब्ध होगी। ये 3D एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3D एनिमेशन मूवी है एवं राजयोग की है और कैसे राजयोग किया जाए इसके बारे में बताया गया है। मीटर
करें पूरे अरमान तुम्हारे, हाँ हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। Thank you.
हर पल दिल में दिए उजले देती है सकाश जहाँ को सदा देती है सुकून जीवन को यहाँ हर पल दिल में दिए उजले देती है प्रकाश जहाँ को सदा देती है सुकून जीवन को यहाँ मान रहे अपनों के लिए स्नेह माला महके गैरों के गले भावना नियत साफ रहे भंडार दुआ का खुला ही रहे कर्म करे हर पल ऐसे सारे तत्व शत शत नमन करे दो पल की ये प्रभु की चांदनी देती है सुकून जीवन को यहाँ हर पल दिल में दिए उजले देती है सकाश जहाँ को सदा देती है सुकून जीवन को यहाँ देती है प्रकाश जहाँ को सदा देती है सुकून जीवन को यहाँ
हसीन बाबा तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां हसीन बाबा कोई नहीं जहां में कोई नहीं जहां में तुम सा हसीन